इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने जता दिया कि अब बराबर की टक्कर दी जाएगी, और अगर हमें 19 समझकर खुद को 20 समझ रहे हो तो फिर यकीनन मायने कुछ इस तरीके से है कि हम 21 यानी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारी में कौन सी पार्टी अभी से एक्टिव हो चुकी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जीत का जश्न और दूसरी तरफ मंथन चल रहा है, लेकिन जश्न और मंथन के बीच नजरें अभी से लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साफ साफ कहा गया है कि कांग्रेस की लोकसभा की तैयारी बीजेपी पर इतनी भारी पड़ेगी कि कांग्रेस 25 की 25 सीटें जीत दर्ज करने वाली है, यानी कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान में क्लीन स्वीप करने वाली है। ये किसने कहा है और इसके अलावा मोदी को किस तरीके से निशाने पर लिया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट। काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश की जमीन फिर से सियासी रंग में रंगने की तैयारी कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में जीत और जीत के बाद मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अब बारी है उस रण की, जिसके लिए विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना गया था। सेमीफाइनल कांग्रेस जीत गई है और वो भी बंपर तरीके से, लेकिन फाइनल तक क्या ये परफॉर्मेंस बनी रहेगी? सियासी बल्लेबाज उसी अंदाज में बैटिंग और फील्डिंग कर पाएंगे जैसे विधानसभा चुनाव में की है? इसके लिए प्रदेश में जीत की जिम्मेदारी कांग्रेस के सियासी कप्तान यानी मुख्यमंत्री के कंधों पर है, और यही वजह है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अभी से एक्टिव मोड में आ गई है। रणनीति बनने लगी है, जिम्मेदारियों पर मंथन होने लगा है और 25 सीटों पर मैन टू मैन मार्किंग का काम भी शुरू हो गया है। वजह भी साफ है, कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों को जीता जाए ताकि प्रदेश कांग्रेस और सरकार का वजूद केंद्र की राजनीति में और ज्यादा मुखर हो जाए। तभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी को राजस्थान में क्लीन स्वीप करने की बात की जा रही है, यानी कांग्रेस की माने तो लोकसभा परिणाम राजस्थान में 25-0 होगा, जिसमें 25 सीटें कांग्रेस के खातों में आएगी। दो लोग राज कर रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी। दो लोगों ने देश को चला लिया, पूरे मुल्क को दो लोगों ने चलाया है, और पूरी सभी चौमुखी ये कहना चाहिए कि विकास की बजाय चौमुखी विनाश हुआ है देश का। अगर ये गवर्नमेंट वापस आती है, दोबारा बनती है मोदी गवर्नमेंट, तो देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है और संविधान को खतरा है। ये सबकी मूल भावना थी सबकी। कांग्रेस ने जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ हुई है उसी दिन से हमने तो आगे लोकसभा चुनावी तैयारी का खाका खींच दिया दिमाग के अंदर। उस दिन से ही हम लोगों ने जो मीटिंग हमारी आपस में हुई है पार्टी के पदाधिकारियों की भी, हम लोगों की भी, हम लोगों ने बैठ करके बातचीत करी है। मैं था, हमारे पीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट जी थे जो डिप्टी सीएम हैं, अविनाश पांडे जी थे। हमने आगे की शुरुआत कर दी है, पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसलिए कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी तो हमसे बहुत पीछे है अभी राजस्थान के अंदर। आज देश में घृणा, नफरत, संवेदनहीनता और हिंसा का माहौल है। ऊपर से जो ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें आप देखिएगा अब तो आप कंप्यूटर भी और व्हाट्सएप भी और सोशल मीडिया भी सबको आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, देश की दिशा में जा रहा है। अगर मोदी जी वापस आते हैं तो आगे चुनाव वापस होंगे कि नहीं होंगे किसी को गारंटी नहीं है। ये सारांश था मीटिंग का, उससे अंदाज़ लगा लीजिए कि किस दिशा में देश जा रहा है और किस दिशा में लोगों की सोच है, और मैं समझता हूँ कि मार्ग गठबंधन होके रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरफ 25 सीटें जीतने का दावा किया है तो दूसरी तरफ कहा कि बीजेपी से इस बार तैयारी में कांग्रेस कहीं ज्यादा आगे है। अगर मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर गौर किया जाए तो उनके मुताबिक कांग्रेस ने प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर रोड मैप तैयार कर दिया गया। बीजेपी से कहीं आगे कांग्रेस की तैयारी चल रही है। कांग्रेस राज्य में सरकार बनने के साथ ही लोकसभा चुनाव पर फोकस शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री गहलोत का दावा, कांग्रेस जीतेगी सभी 25 सीटें। प्रदेश में कांग्रेस मिशन क्लीन स्वीप पर काम कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि तीन राज्यों में चुनाव परिणाम ने कांग्रेस में जान फूंक दी है? और जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट के लिए अशोक गहलोत को जाना जाता है,
उसके लिए पूरी कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। और इस दौरान कांग्रेस नेता ये भी कोशिश करने में लगे हैं कि जो कार्यकर्ता इस वक्त ऊर्जा से भरे हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से खुश हैं, उसी खुशी और ऊर्जा को लोकसभा चुनाव तक बनाए रखा जाए और कार्यकर्ताओं के जोश को बनाए रखने के लिए भी यकीनन कोई खास रणनीति बनाई जा रही होगी। यानी अब विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश लोकसभा चुनाव के मोड में पहुंच चुका है और आगे के बयान नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का आधार लोकसभा चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।